और उसका एक कारण है कि पंजाब में पिछले एक महीने से लगातार आंदोलन चल रहे हैं और कल पंजाब बंद की कॉल थी वाल्मीकि समाज की तरफ से। पंजाब पूरा बंद रहा मगर अभी जो हमारे बीच में प्रीति किशोर जी ने कहा और हम सब भी इस सच्चाई से वाकिफ हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक कथन कहा था असल में कि इस देश में तुम धर्म बदल सकते हो, जाति नहीं बदल सकते। जाति का सवाल जो का त्यों रहता है और उसी जाति के सवाल पे वाल्मीकि समाज का संघर्ष था एक टीवी सीरियल के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ किसी बजट के खिलाफ नहीं था, टीवी सीरियल के खिलाफ और सरकार से लड़ाई थी। सरकार पर सवाल थे, एतराज थे, मगर दो जगह कल गोली चली। एक जगह गोली चली और वो बच्चा हॉस्पिटल में है, पेट में गोली लगी, अब पता नहीं अंदर से क्या क्या डैमेज हुआ। दूसरी जगह रात को गोली चली जब हम लोग यहां थे हॉल में, 100 राउंड गोली चली। तो मेरा थोड़ा ध्यान वहां लगा हुआ था, आज की अपडेट ले रहे थे साथ साथ। और ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई बड़ी प्रतिक्रिया हमारी तरफ से भी ना हो जाए, हमें भी उसको आंदोलन को, आंदोलन वो होता है जो आपके कंट्रोल में, जो आपके कंट्रोल से बाहर चला गया फिर वो आंदोलन नहीं होता। इसलिए मुझे बार बार उठना पड़ा और वहां मैं जुड़ा रहा उन सारी घटनाओं के साथ। आज का सेमिनार हमेशा की तरह जैसी खूबसूरती रही है लखनऊ की, उसी खूबसूरती से हमारी टीम ने और आप सब साथियों ने इस सेमिनार का बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आयोजन किया। कुछ बातें हैं जिन पे मैं कहना चाह रहा हूं, बीच में आई भी हैं। एक, जब सारी बात शिक्षा पे हो रही है, हमारे टीचर्स ये ऊपर बैठे वो भी नीचे से भी आए, आपको बहुत मोटिवेट किया उन्होंने एजुकेशन को लेकर, मगर एक दुष्प्रचार है और हम उसका बड़ी आसानी से शिकार होते हैं। और आज से नहीं है, जब से स्कूल का दरवाजा खुला हमारे लिए ये दुष्प्रचार तब से है। पहले तो दरवाजा बंद था, एकलव्य को धक्के देके निकाला जा सकता था, अब तरीका इस्तेमाल होता है। जब हम छोटे थे हमें पता कि हमारी माएं, हमारी दादियां जिन घरों में काम करने जाती थी तो वो उनको मोटिवेट करते थे कि तुम इतनी थक जाती हो, बीमार हो जाती हो, इतनी भरी कूड़े की टोकरी उठाती हो, किसी बच्चे को साथ लाया था। और माँ और दादी जब पलट के कहती कि नहीं वो स्कूल जा रहा है, हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा तर्क देते कि ये देख हमारे वाला, ये हमारे वाला देखो पढ़ के क्या करना है, नौकरी ये तो है नहीं, ये 40 साल पहले की बात बता रहा है, नौकरी तो है नहीं, हमारे वाला भी ऐसे ही है। हमारी मां ने, दादी ने उस वक्त सोचा ही नहीं कि उनके वाले ने तो दुकान पे बैठना है, बाप की दुकान पे, बाप की फैक्ट्री में बैठना है, वो तो 10-11 भी बहुत है उसके लिए, बना बनाया कारोबार है। और उस वक्त हमारी माए, हमारे परिवार उनकी बात मान लिया करते थे, कहीं कहीं निराश हो जाते। वो तो यहां आके बच्चा बोल रहा था एक कि हम 4 भाई हैं और बाकी सारे नहीं पढ़ सके, मगर उन्होंने मुझे पढ़ाया,
वो उसी का शिकार हुए होंगे भाई, जिन भाइयों ने अपने भाई को पढ़ा के लायक बना दिया, इसका मतलब वो भी पढ़ना चाहते होंगे मगर इसी चीज का शिकार। और ये बात आज भी चल रही है, उसके थोड़े थोड़े तरीके, उसके तर्क बदल जाते हैं, आज भी ये बदल रहे हैं। बीच में जीके जी ने बहुत लॉजिक दिया, कहा उन्होंने, और वही बात दोहरा रहा हूं मैं दोबारा, कि आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले की बात नहीं करता, आज से 20 साल पहले मोबाइल था। अगर मोबाइल आज है तो एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, एक उसका सिम बनाने वाली कंपनी, एक मोबाइल की रिपेयरिंग सिखाने वाला इंस्टीट्यूट है। ये सारा कुछ था पहले? नहीं था। तो वहां जो लोग काम करते वो आदमी तो कर रहे हैं ना, अलग अलग। प्राइवेट बैंक नहीं थे उससे पहले, थे 1969 से पहले बहुत सारे प्राइवेट थे लगभग, मगर 1969 में एक ही दिन में इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी, 14 बैंक नेशनलाइज कर दिए एक ही दिन। साहूकारों के पास थे, कुछ परिवारों के बैंक थे, उसने सबको सरकारी घोषित कर दिया। फिर आपको लगा कि बैंकों में भी नौकरी कम हो रही है, मगर आज प्राइवेट बैंक कितने आ गए, नौकरी तो वहां भी है, वहां क्लर्क भी होता है, वहां मैनेजर भी होता है, और वहां और भी, अभी तो और भी ऑप्शन हो गए हैं, अब वहां डेवलपमेंट ऑफिसर भी होते हैं बैंक में, एक खेती से जुड़े हुए भी होते हैं, एक आपके ट्रेड से जुड़े हुए भी होते हैं, आपके अलग अलग लोन को देखते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आए हैं। अब वहां जो डेवलपमेंट ऑफिसर लगेगा, जो मैनेजर लगेगा बैंक में, वो अनपढ़ आदमी लगेगा, अनपढ़ नहीं लगेगा, वो पढ़ा लिखा लगेगा। हालांकि दलितों में भी कोशिश हुई है कारोबार की, बिजनेस की कोशिश हुई है, अभी यहां कहा गया डिक्की, वो फिक्की के मुकाबले में डिक्की बना है, मगर जो समाज, जहां फील्ड में समाज जाना है, कहते ना कि भारत की हवा में ही जातिवाद है, तो अभी बिजनेस का, ओपन बिजनेस का अभी उतना बड़ा दायरा नहीं खुला है कि आप सोचना शुरू करो कि हम कारोबार कर रहे हैं। तब भी था, आज भी है, जातिवाद रहा है, मगर पढ़ाई का महत्व पहले भी था और आज भी। पहले क्या था, अब पहले की मिसाल दे रहा हूं। एकलव्य का अंगूठा काटा गया, ये हमने सबने सुना। एकलव्य को धक्के मार के बाहर निकाला गया, ये हमने सबने सुना, मगर उसके आगे की कहानी नहीं हमने सुनी। अंगूठा कटने के बाद एकलव्य ने फिर तैयारी की, अब योग्यता तो थी ना उसके पास, योग्यता किसी की मोहताज नहीं है, जो रेजर्वेशन है वो योग्यता नहीं देता, रेजर्वेशन तो एक मौका देता है, एक प्रवेश द्वार है, योग्यता तो हम खुद रखते हैं, हमारी अपनी योग्यता। एकलव्य ने अपने आप को तैयार किया, और तैयार करके जब अर्जुन, कृष्ण और बाकी सारे योद्धा, वैसे तथा कथित योद्धा कहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी को भी उन्होंने सामने से नहीं मारा, धोखे से मारा हर किसी को। जब महाभारत का युद्ध जीत कर लौट रहे थे, तब अकेले एकलव्य ने उनको चैलेंज किया मैदान में, अकेले एकलव्य ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह, बिल्कुल वैसे ही। वो समय था तीर कमान का और बाबा साहब अंबेडकर का समय था कलम का। अकेले एकलव्य ने चैलेंज किया, मगर वो कहते हैं कि इतिहास जो होता है उसको जीतने वाले लोग लिखते हैं, जीतने वाला जो मर्जी लिखे, वो अपने छल को भी बड़े अच्छे रूप में लिखता है, अपने धोखे को भी, पीठ में मारे हुए खंजर के लिए भी कई तर्क लिखता है, जैसे महामुनि शंभोग के लिए लिखा गया कि महामुनि शंभोग को क्यों उल्टा लटकाकर कत्ल किया गया,
तो उसमें लिखा कि वो पूरे सशरीर स्वर्ग जाना चाह रहे थे, भी जाना चाह रहे थे जो स्वर्ग का वहां कोई चौकीदार आता है वो रोक ले, आप यहां क्यों कत्ल कर रहे हैं? स्वर्ग का चौकीदार रोक ले, और स्वर्ग का चौकीदार कौन है? वो है इंद्र, वो है इंद्र जो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या की इज्जत लूट लेता है यहां आके, तो कोई स्वर्ग जाना चाहेगा? जाना चाहेगा इंद्र के पास और अपने बच्चों को, पत्नी को, बीवी को, अपनी बेटी को लेकर तो बिल्कुल ही जाना चाहेगा? झूठा कर खड़ा कि स्वर्ग जाना चाह रहे थे इसलिए उसे मार दिया, और हम उसके भी इतने शिकार हैं। यहां प्रीति ने एक बात बोली, हमें अपना इतिहास खुद लिखना है। इतिहास ही नहीं, इतिहास के बीच में हमें जो विकॉबलरी है, डिक्शनरी, हमें उस पर भी ध्यान देना है। मैं अभी तक पढ़ रहा हूं जितने दलित लेखकों ने लिखा, सारे लिख रहे शब्दों पर दलित लेखक भी, और वध का अर्थ होता है जायज कत्ल, वध का अर्थ होता है जायज कत्ल, महामनी शंभू का जायज कत्ल नहीं था। जैसे नथुराम गोडसे कहता है, नथुराम गोडसे गांधी को मारने को गांधी वध कहता है। तो अभी हमारी डिक्शनरी, हमारा शब्द कोश भी तैयार नहीं है, तो जीतने वाले लिखते हैं। तो सूरदास क्या लिखता है, जब एकलव्य रूपता है अर्जुन को, कृष्ण को, तो वहां सूरदास क्या लिखता है? वो ये नहीं लिखता कि एकलव्य बलवान है, एकलव्य के पास कला है, एकलव्य सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज है। वो ये भी नहीं लिख रहा कि यहां अर्जुन को पीछे से वार करने का मौका नहीं मिला, वो ये भी नहीं लिखता। वो बड़े तरीके से एक नया तर्क करता है, कहता है समय समय की बात है, समय बहुत बलवान, वही अर्जुन वही गोपियां वही ध्रुष वही बाण। समय बलवान था अर्जुन का, इसलिए अर्जुन हार गया। समय नहीं, वो लड़ाई सामने सामने की थी, इसलिए अर्जुन को भागना पड़ा, आमने सामने की थी। अगर पीठ के पीछे से होती तो हरा दिया, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुआ। ये भी एक दलित इतिहास में अभी तक नहीं बात आई, दलित इतिहासकार इसको कुछ और तरह से लिख रहे अभी तक। बाबा साहब अम्बेडकर को यहां जीवन जी ने जिक्र किया, मुझे खुशी है कि हमारे बच्चों को आज वो सम्मान मिला। मैं कहा करता था बच्चों से, कई बच्चे बड़ी जिद करते कि हमें विदेश पढ़ने जाना है, और यूनिवर्सिटी चुनते हैं जो यहाँ, जैसे बोगस यूनिवर्सिटी बन रही है, वहां पोल्ट्री फार्म की तरह यूनिवर्सिटी बनी है विदेशों में, और जॉयल यूज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आई है जहां से बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी किया था, उसी का जिक्र कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर की पहली पीएचडी छुड़वा दी गई, इसको दलित इतिहासकार समझ नहीं रहे अभी तक, छुड़वाई गई, और किसने छुड़वाई? जिसने वजीफा दिया उसके बहुत गीत गाते दलित, बड़े साहित्यकार उसके दलित के बड़े उसके गीत गाते, उसने बाबा साहब अम्बेडकर को वजीफा दिया बड़ौदा रियासत के राजा ने, मगर उसने पीएचडी भी छुड़वाई, ये नहीं पता है। और पीएचडी छुड़वाई नहीं, जॉब दी मगर रहने को घर नहीं दिया। अब ये क्या था, ये क्या था? और वो जो समय था उस वक्त, तो अंग्रेजों ने मुझे बताया, जो मैं अभी जम्मू की स्टडी कर रहा हूं जो 35B को लेके, जम्मू में जिन सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया उनके लिए पहले क्वार्टर बनाए गए, रहने के लिए मकान बनाए गए। रेलवे में जो सफाई कर्मचारी लगे उस वक्त, आज नहीं कह रहा हूं, आज से 50 साल 100 साल पहले, उनको पक्के क्वार्टर मिलते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर तो सुरक्षा सचिव लगे थे और उनको रहने के लिए घर नहीं दिया गया। ये तरीका था दोनों तरफ का, उधर से पीएचडी छुड़वा ली और इधर से रोजगार नहीं रहने दिया, ये तरीका था। उनके साथ वो घात हुआ, मगर बाबा साहब अम्बेडकर के पास ताकत कौन सी थी? ताकत थी कलम, उनकी अपनी योग्यता जिसको कोई नहीं छीन सकता था। मुझे कहानी है छोटी सी कह रहा हूं, मधुमक्खी की। लोग जाते हैं
उसका शहर उतार देते हैं, अलग अलग तरीके उसके शहर को निकाल देंगे। कुछ लोग नीचे से निकाल देते हैं, कुछ लोग धुआं करते हैं, वो उसको मधुमक्खी को उड़ा देते हैं, उसका पूरे का पूरा घोंसला, जिसको आप अपनी भाषा में छत्ता बोलते हैं, पूरा घोंसला ही उसका घर बार सारा उजाड़ देते हैं, उसका शहर ले आते हैं। मगर एक चीज है जो मधुमक्खी से नहीं छीनी जा सकती, शहर बनाने की तकनीक, वो नहीं छीन सकते। बाबा साहब अम्बेडकर से सब कुछ छीना, एकलव्य से सब कुछ छीना, मगर जो उनकी अपनी योग्यता थी उसको कोई नहीं छीन सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर डरे, अच्छा हुआ, मैं कभी कभी इसको इस रूप में भी देखता हूं, अच्छा हुआ कि उनको बड़ौदा रियासत में रहने के लिए महल नुमा घर नहीं मिला। शायद हो सकता उनका जीवन वही रुक जाता, आज जो हम यहां इस हॉल में बैठे हम यहां नहीं बैठे होते, यहां बैठने का अधिकार फिर हमें नहीं होता। वो जो बाबा साहब अम्बेडकर को एक बड़ी ठोकर लगी, वो अपमान जो झेलना पड़ा, अभी किसने कहा कि अपमान भी एक ताकत देता है, आप बोल रहे थे मोटिवेशन, अपमान भी एक ताकत देता है। आप डर जाते हैं, हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, जब कोई क्लास में पूछता आप किस कास्ट के हैं, आप डर जाते हैं। उसको ताकत बनाओ, इस अपमान को भी ताकत बनाओ अपनी, उसमें लड़ना सीखो। मैंने इसलिए जब रश्मि यहां बोल रही थी, रश्मि बेटे उठो आगे आ जाओ, अगर मैं सही हूं तो आप मुझे गलती ना हो तो मुझे दुरुस्त कर देना। जो आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है, सीए उसके इक्विवेलेंट है डिग्री का, नहीं है योग्यता में है, तो रश्मि ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मैंने अपने बच्चों से वादा किया था कि जिसे आपके से कोई आईएएस आईपीएस पीसीएस बनेगा तो भावना जी आगे बैठी है और दूसरा मेरा बच्चा ही आ गया, ऊपर आ जाओ, वहां आ जाओ, वहां सेंटर में, वहां जहां मैं बैठा था वही चल जाए। चलो मैं आपके बात करूंगा तो समय खराब नहीं करेंगे। तो हमारी हमसे योग्यता नहीं छीन सकता। आप डर जाते हो जब कोई कहता है अच्छा आप वाल्मीकि हो, ये कहते में डर कैसा, उससे एक बार जो एक बार छोटी सी जहां से उदय नारायण जी आए हैं, एक छोटी सी बात जोड़ो बिना लड़े बिना गर्म हुए कि हां हम उस वाल्मीकि नाम से जुड़े हैं जिन्होंने आपकी मां सीता को शरण दी थी, बस इतनी सी बात ही बहुत है। बड़ी बात करने की जरूरत नहीं, झगड़ने की भी जरूरत नहीं है, और नहीं तो थोड़ा आज अगर लगे कि कुछ ज्यादा कुछ कर रहा है उसके ज्यादा के जवाब भी, ज्यादा के जवाब भी। बच्चे ने एक दिन मुझे कहा, कह रहा मैंने अच्छा सूट पहन रखा था और मुझे मेरे आसपास घूम के कह रहे कि तुम वाल्मीकि लगते तो नहीं हो, तो मैंने कहा इसमें डरने की क्या जरूरत थी, तुम उसके आसपास घूमते, तुम कहते ब्राह्मण लगते तो नहीं हो, ना वो छोटी है ना वो धोती है ना भी बड़ा कटोरा है, तुम भी लगते नहीं हो, तुम्हें भी करना चाहिए, तुम डरते क्यों, तुम भी जवाब दो। बाबा साहब तो अकेले थे, उनका तो पीछा, उनके साथ तो खड़े होने वाला नहीं था। आज आप करोगे आपके साथ तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वो बच्चा जख्मी है बाहर, सैकड़ों लोग बैठे हैं वहां, अभी मेरी बात हुई हॉस्पिटल के बाहर सैकड़ों लोग बैठे हैं, कोई खून देने के लिए बैठा है, कोई और किसी काम के लिए बैठा है, आज तो ये हालत है। बाबा साहब अम्बेडकर तो अकेले लड़े फिर भी वो डरे नहीं। चीज एक थी जिस जहां से जो मैं कहना चाह रहा हूं कि दुष्प्रचार हो रहा है कि शिक्षा बेकार है, नौकरियां नहीं, ये निकाल दो दिमाग से। दूसरी बात, एक और खबर आ रही है टीवी में पेपर में, मंदी है बंदी है, नौकरियां जा रही है, जा रही है, ये सच है, ये झूठ नहीं है, जा रही है, पर डरो मत, क्योंकि अब जो नौकरी है, जो पेश कारोबार जो है, इंडस्ट्री जो है, वो केवल भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की जुड़ी हुई आपस में, पूरी दुनिया। मान लो मारुति कंपनी बंद होगी
तो चाइना से आने वाले कई कल पुर्जे भी बंद हो जाएंगे, उसका घाटा चाइना को भी पड़ेगा ना। और उरुती की कारें, टाटा की कारें बंद होंगी तो अरब कंट्री से आने वाला तेल भी कम मांगा जाएगा, तो एक देश भी प्रभावित होगा। महीने दो महीने की बात होती है, उसके बाद उसे अपने ट्रैक पे आना है, आ जाना है। हाँ, एक तरफ और समझ लीजिए, आपने सुना होगा, आपके कई दोस्त होंगे, दूसरे अदर कास्ट के भी हो सकते हैं, कि जो उन्होंने कोई कोर्स किया, कोई अच्छी डिग्री ली और वो दिल्ली सेट हो गए, गाजियाबाद चले गए, नोएडा चले गए, कोई बेंगलोर चला गया, और वो चार पांच साल बाद ही बताते हैं आपके मिलने पे कि जी मैंने 50 लाख का फ्लैट ले लिया, 50 लाख का, 5 साल में सरकारी नौकरी वाला ले सकता है? नहीं ले सकता। यानी टैलेंट जो आप में है उसकी वैल्यू है प्राइवेट सेक्टर में, और ये आप समझ नहीं रहे बिना वजह। तो ये प्रचार जहां भी कोई करे, उस प्रचार को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालो, बच्चों को पढ़ाओ, और पढ़ाई में कोई सब्जेक्ट छोटा और बड़ा नहीं, कोई सब्जेक्ट। इंग्लिश के भी प्रोफेसर होते हैं, हिंदी के भी प्रोफेसर होते हैं, अरबी उर्दू फारसी के भी प्रोफेसर होते हैं, मैथ का भी होता है और फिजिक्स का प्रोफेसर भी होता है, होता प्रोफेसर ही है। और एक सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसको बहुत कम पढ़ रहे हैं आप लोग और जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी एनवायरमेंट में आगे चल के, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जैसे ग्रेजुएशन से आगे जाएंगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो एमए नहीं रहती, वो एमएससी हो जाती है, एमएससी हो जाती ज्योग्राफी, आप साइंटिस्टों में आ जाते हैं। सब्जेक्ट कोई छोटा नहीं, सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़े हैं। हाँ, कुछ चीजों में ये जरूर हो रहा है कि हम भेड़ चाल चलते हैं, कि थोड़े लोग बीटेक की तरफ गए, सारे बीटेक। हमारे समय में था, हमारे समय में आया था टाइपिस्ट, शॉर्ट हैंड, सारे शॉर्ट हैंड हो गए। तो होगा ही ना कि आम ज्यादा आ जाएगा तो सस्ता होगा, फुटपाथ पे सड़ता हुआ भी मिलेगा, ये हो रहा है। वो गाइडेंस इनसे लो, ये आपके लिए जो लोग बैठे हैं इनसे वो गाइडेंस लो भी, कौन सी एजुकेशन है जो आगे हमारे लिए सर्विस जनरेट करती है, वो सर्विस में कारोबार में बदलेगी कि नहीं बदलेगी। एमबीए भी बहुत हो रहा है, अब ला हो रहा है, कभी ला ऐसा होता था कि भारत में उसका कॉलेज ढूंढना मुश्किल होता था, ला भी कहां से ला करनी, और अब ऐसे हो गया कि हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज ने 2 कमरे ला के लिए लग रख दिए। तो कभी कोर्ट का चक्कर भी लगाओ, कोर्ट का कचहरी का चक्कर लगाओ, बेचारे वकील ऐसे फट्टा रख के बैठे जैसे चाय वाला बैठा हो, वो भी पुश्तैनी है, जैसे फैक्ट्री पुश्तैनी है ना, मिल मालक पुश्तैनी है, वो भी पुश्तैनी, जिसके बाप का कैबिन है उसके लड़के को कैबिन मिलेगा, बाकी उनके लिए बहुत भारी मुश्किल। तो ये कुछ चीजें होती हैं, सब्जेक्ट बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, मगर आगे नौकरी में बदलना कि नहीं बदलना ये सोचना। सेमिनार का बहुत प्रभाव हो रहा है। पहले कभी मुझे दादियों के फोन आया करते थे, क्या फोन आता था कि लड़की ने वो नहीं कर दिया है, दादी को प्लस टू तो कहना नहीं आता था, वो कह रही थी 12 क्लास कर ली है, बहुत बड़ी हो गई है, देखने में भी लंबी से लगती है, है ना, और आप बहुत घूमते हो, मुझे ऐसे समझते थे घूमते हैं जैसे मैं आवारा ही घूम रहा, है ना, आप बहुत घूमते हो। मैं फिर और लड़का लुका देखना कोई, तो मैं सोच रहा था अच्छा चलो सुन ली बात, मगर आज दादियों के वो फोन नहीं आते, आज दादियों के फोन बदल गए, और यहां बैठे हैं, मैंने आते हुए देखा शायद वहां बैठे हैं, शायद एक खास 80 साल की भी ज्यादा उम्र की दादी भी यहां बैठी इसी हॉल में, मैंने पकड़ के लाते हुए देखा उनको। अब दादियों के फोन दूसरे आते हैं, वो कह रही है इसने वो कर दिया, जो कहते 12 क्लास हो गई, अब इसने पता नहीं कौन सा पेपर दिया,
और सीट बाहर मिलेगी कहीं, लड़की है भेज दे कि ना भेज दे। तो मैंने कहा भेजो, सीट मिलेगी। और अब तो एक और सिस्टम है जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसके गेट से लेके उसके टॉयलेट के बाहर तक कैमरे लगे हुए। ये भी एक सुरक्षा है, जितने यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लड़की जहां भी जाएगी, क्लासरूम में भी जाएगी, मेस में जाएगी, कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने अपने सुरक्षा इंतजाम किए। भेजो, मुझे लखनऊ से भी फोन आया, बच्चा भेजना था इन्होंने एनआईटी में, मुझे कह रहे दूर जा रहा है। मैं कह दूर तो दीवार के उधर, वो भी दूर है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो दीवार के उधर बैठा वो भी दूर है, भेजो, जाने दो। और मैं तो ये भी कहता हूं बच्चों को, आर्मी भी ज्वाइन करो, आर्मी, आर्मी में एक तो फौजी भर्ती होते हैं और एक होता है कि आप प्लस टू के बाद उसमें सिर्फ आपकी जो एज है वो फैक्टर थोड़ा देखना पड़ता है कि इतने से इतने के बीच में आपकी प्लस टू हो जाए। और शायद एक तो सब्जेक्टों का भी है, उसमें फिजिक्स का और मैथ का भी है, तो आप उसमें एनडीए का पेपर पास कीजिए। अभी उदय नारायण जी कह रहे थे कि कभी असली हीरो को देख मत लेना, असली हीरोइन को देख मत लेना। मैंने पढ़ा उसका माइकल जैक्सन का, माइकल जैक्सन के कई नौकरों ने नौकरी छोड़ दी, जो उसे सुबह सुबह देख लेता था ना बिना मेकअप के, उसको उल्टी आ जाती थी, नौकरी छोड़ के भाग जाता था। आप भी पढ़ लेना, सच से मिल जाए। मगर जो आर्मी में लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, जब उसकी 60 साल की भी उम्र होती है ना, वो तब भी हीरो लगता है। उसका बैठना, उसका बात करना, उसका जज्बा, वो हीरो से कम नहीं होता। आर्मी में भेजिए, 15 से 17 साल की सर्विस है सबसे छोटी, और पेंशन मिलेगी, तनख्वाह से भी बड़ी, सेकंड सर्विस भी तैयार है उसके लिए, उसका अलग से उसका आरक्षण है, वो भी तैयार है। और फिर दलेर कौम नहीं अगर जाएगी, जिसके लिए अंग्रेजों ने महार रेजिमेंट बनाई, सिख लाइट इन्फेंट्री हमारी है, वाल्मीकि बरवी सिखों की, और यही कारगिल में पहले जो मोर्चे पे खड़ी कौम, वो महार रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री लड़ी है पहले कारगिल में, पहले 10 दिन हमारी बटालियन लड़ी है, जब कब्जा हो गया बिल्कुल हटा दिया, फिर इनको पीछे लिया, फिर आगे घुस लिया, वो सेना के नियम है। तो इसके लिए भी तैयारी करो। मैंने अपनी भतीजी से कहा यही कि तुम्हें आर्मी में जाना चाहिए, मुझे पूछे भी प्लस टू चल रहा है, मेरे मैंने उसके 3 ऑप्शन पे बात की। मैंने कहा जा तो इंग्लिश लिटरेचर लो, है ना, एक जैसे सब्जेक्ट ना लो, उसमें वेरिएशन देखो, अलग 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 फील्ड देखो। और फिर मैंने उसे, एक दिन मेरे साथ खड़ी थी, मैंने कहा तुम मेरे जैसी लग रही है, तो आर्मी भी जा सकती, तुम्हें आर्मी में जाना चाहिए। उसने सर्च किया और आगे मुझे कही पापा वो जो होता है एनडीए, वो लड़कियां तो कर नहीं सकते। मैं कहा एक अलग कमीशन होगा, लड़कियां है, ये नहीं कि आर्मी में नहीं है लड़कियां, कमीशन होगा, तुम्हें कमीशन देना पड़ेगा। फिर सर्च किया कि हाँ ये भी है, और फिर पजल होकर मेरे पास आ गई 3-4 दिन बाद। अब ये तो बताओ 3-4 ऑप्शन होगी, करूं क्या? मैं कहा चुनना तुम्हें, फोर्स भी नहीं होगा, हम ऑप्शन बताएंगे, रास्ते बताएंगे, चुनोगे तुम खुद, तुम्हें फैसला करना क्या करना, मगर जो करना है वो बड़ा करना है। रश्मि की कहानी मैंने सवाल करके दोहराई जानबूझ के कि आपको बताए, और बिल्कुल ऐसी ही कहानी भावना की जो मुझे बताई इसकी मौसी ने, यहां के संत किशोर जी ने भी बताया कि इनको भी पीसीएस एक जिद से बनना पड़ा, जिद के कारण कि मुझे अब पीसीएस बन के दिखाना है। अभी हमारा सेमिनार हुआ लास्ट जो होशियारपुर में पिछली 18 तारीख को, वहां एक बेटी आई और मंच पे आके रो पड़ी। वो कह रही मैं गांव से हूं, माँ बाप मेरे दिहाड़ी करते हैं, माँ गोहा कूड़ा करती है, और मेरे मन में आया कि मुझे दाह करना है, सुना होगा बाकी बच्चों से। अब कहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे, बताए कौन कि ला का कॉलेज कहाँ होता है,
माँ बाप को तो समझ नहीं, गांव में कोई होगा वकील, करीबा उसके घर चले गई। सर ये पूछ रहे कि कॉलेज को वहां होगा आधार का, तो कह रहे उसने मेरे लिए इतने बुरे लफ्ज बोले, अभी ताजी बात बता रहा हूं, अभी 18 तारीख की, कह रहे इतने बुरे लफ्ज बोले और लास्ट में गेट आउट कहकर मुझे निकाला कि तुम वकील बनोगे। तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटे ऐसा है कि एक बार अपने माँ बाप से दोबारा बात कर ले, क्योंकि वो मौसियां आ जाती है रिश्ता लेके, बुआ भी आ जाती है बिना वजह रिश्ता लेके आ जाती है, और उनके घर ज्यादा रिश्ते लेके आती जिनके बच्चे पढ़ रहे उनको बीच में रोकने आती, क्योंकि उनके अपने भी पढ़ रहे होते हैं। वो कह रही इसकी ब्रेक कैसे लगवाऊं, कहीं शादी का तो अपने आप में ब्रेक लगते। तो मैंने कहा बेटे इस घर में पहले सलाह कर लो, अगर तो 7-8 साल हैं शादी नहीं करनी फिर ला ही चुनना तुम, वैसे मैं ला मना करता हूं, फिर तुम ला चुनना, 7-8 साल इसलिए कह रहा हूं, तुम ला से थोड़ा आगे निकल के जज बनो, जज बनना अगर है तो। उसका फोन आ गया, दूसरे दिन की मेरी सलाह होगी, माँ बाप तैयार है। तो मैंने हुशियारपुर के साथियों से बात की, जैसे यहां हमारी टीम है लखनऊ में, उन्होंने 5 दिन भी पूरे नहीं होने दिए बेटी के एडमिशन करवा दिया, इसी बेटी के एडमिशन करवा दी। और उसका जब फोन आया मुझे पता नहीं लग रहा था हंस रही है कि रो रही है, उसकी खुशी में समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है। तो मैंने कहा अच्छा छोटा ना पानी पूरी पी के फिर बात कर रहे थे, पता मुझे लग गया था उसका एडमिशन हो गया। और यही कहानी रश्मि की थी, यही कहानी भावना की थी, मगर इन कहानियों से थोड़ा और आगे जाना है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, छोटी सी एक बात कह के फिर आगे जाऊंगा मैं, जिसके लिए मैंने कहा भी मेरी बात सुन के जाना। छोटी सी बात कहनी मैंने इतिहास पे, दोबारा से दोहरा रहा हूं, भी इतिहास को अपने तरीके से लिखने की जरूरत है, अपने तरीके से समझने की भी जरूरत है। बहुत सारी हमारे बारे में जिन कहानियों को बुरा कहके, छोटी सी मिसाल के साथ बता रहा हूं, जो जो हमें नजर आता है हमारे आसपास कौवा होता है, तो कौवे का जोड़ा होता है ना एक जैसा, हमारे आसपास बकरी गायें देखी है उनका जोड़ा एक जैसा होता है, मगर हमारा इतिहास ऐसा बिगाड़ा गया है, कह रहे वो तुम्हारे राजा राक्षस थे उनके दांत थे मगर उनकी पत्नी मंदोदरी बड़ी खूबसूरत थी, भी ये कैसे हो सकता है। ईश्वर ने तो जोड़ा बनाया आदमी में भी, आदमी अगर थोड़ा नेपाली उसका भौगोलिक स्थिति से उसका शक्ल में फर्क पड़ गया, आंख में फर्क पड़ गया, तो वहां औरत में भी पड़ेगा। अगर अफ्रीका में लोग काले हैं वहां की गर्मी के कारण तो वहां की औरतें भी वैसी हैं, अगर अमेरिका का अंग्रेज गोरा है तो वहां की औरतें भी वैसी हैं। ईश्वर ने सारा जोड़ा बनाया है, तो इतिहास में बहुत सारी चीजें बिगाड़ी हुई हैं, हमें उन्हें भी समझ के चलना है कि ये कहां बिगाड़ी गई, क्यों बिगाड़ी गई। अब मैं लास्ट बात कर रहा हूं, थोड़ी सी जज्बाती भी है, संवेदना भी है इसमें, और थोड़ा हिम्मत हौसला करके मेरी बात को सुनना। और मैं खुद एक बेटी का पिता हूं, और बेटी ही है, उसके बाद मेरे पास दूसरा बच्चा नहीं, उस सारी जिम्मेवारी के बाद कहने जा रहा हूं। बेटियां पढ़ रही हैं, डिग्रियां ले रही हैं, मगर जब रिश्ते की बात आती है तो ऐसे हो रहा है कि ना बेटी की वैल्यू है ना उसकी डिग्री की वैल्यू है। जैसे हम घुटने टेक के कह रहे हूं कि मेरी बेटी ले जा और बता क्या चाहता है, ऐसे कर रहे हैं हम, जितना ज्यादा पढ़ा रहे हैं मां बाप ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि ज्यादा पढ़ाएंगे तो शायद आगे वाली मुश्किलें कम हो जाएंगी, मगर जितना पढ़ा रहे हैं आगे हमारे यहां कुछ परिवार है पूरे देश में, यूपी में नहीं केवल, पूरे देश में, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, मैं हैदराबाद गया वहां भी है,
हैदराबाद के तो एक आदमी ने मेरे सामने बैठ के कहा, हमारी बातचीत सुनने के बाद वो मुझे मिलने आया स्पेशल, वो कह रहा है कुछ बातें ठीक है आपकी, कुछ गलत है। मैं कहा ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य हो, बताइए कौन सी गलत है, मैं उसको स्वीकार करूं। वो कह रहा आप जो कह रहे हैं ना कि लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं और लड़के पढ़ते नहीं है, इन पे सख्ती करो, ना पढ़े तो उनको घर से निकाल दो, आपकी ये लाइन गलत है। तो मैंने कहा इसको दुष्ट कैसे करेंगे? वो कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की लाएंगे, हमारे पास पैसा, पैसा कौन सा? सूदखोरी का। लड़की लाएंगे पढ़ी लिखी ज्यादा, वो भी कमाएगी और 20-40 लाख रुपए हम भी लगा देंगे, लड़के को एक दुकान ही खोल देंगे, नाम की चले या ना चले, वो वहां मालिक बन के बैठेगा, मगर पढ़ी लिखी लड़की लाएंगे उसके लिए, अनपढ़ लड़के के लिए। बड़ी लिस्ट आती है कि इतने सूट देने हैं, इतने आपने मन्नतें करनी है, इतने लोगों को आपने मतलब खुश करना, हमारे इतने लोगों को, हमारे सारे मामा मान जाएं, मामों के आगे रिश्तेदार मान जाएं, मौसियां मान जाएं, मौसियों के साथ मौसा भी होते हैं वो भी मान जाएं, सबके सूट देने हैं, अगर सारे मान गए तो तुम्हारी बेटी ले जाएंगे। देखो इससे बड़ा अपमान हो सकता है? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मगर मैं अभी आपका इसीलिए ईमेल दे रहा था, वो मुझे पोयम मिली नहीं, कुछ और ही आपको मेल कर दिया। मैंने एक पोयम लिखी थी कि मैं कहां हूं, लड़की कह रही है कि एक दिन अचानक एक आदमी आता है उस घर से जहां लड़की का रिश्ता हुआ है, वो आदमी आता है और आके चाय पानी पीते हुए उनको कह रहा है उसके माँ बाप को कि मैं उधर से आया हूं, उन्होंने मुझे स्पेशल भेजा है और जरूरी बात करने आया। वो कह रही थी अब जरूरी बात कौन सी, गोत्र मिला लिए हैं, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया है और रिंग सेरेमनी भी हो गई, अब आप कौन सी जरूरी बात करने आए हैं। वो जेब से एक लिस्ट निकाल के उनको कह रहा बस कुछ नहीं, बस उन्होंने थोड़ा सा ये भेजा है। वो चाय पानी पी के चले जाता है और पूरे घर में उदासी छा जाती है। लड़की को पता नहीं कि क्या हुआ है, क्योंकि लड़की को दूर बिठा देते हैं हम कि तुम दूर जाओ, और लड़की पूछती है क्या है क्या है। रात को लड़की की भाभी फिर वही लेटर लाके लड़की को थमा देती है, भी और कुछ नहीं, ये लेटर है, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं कहा है। लेटर क्या है, उसमें लिस्ट है कि इतने सूट होंगे, इतने सूटों के ऊपर इतने पैसे होंगे, इतने सूटों के ऊपर जेवर होंगे, हर चीज की लिस्ट है। जैसे यानी भिखारी हो टपरी पास भी, अभी अभी उनको कोई जगह मिली है रहने को और खाली घर मिला है, सारा भरना ही लड़की वालों ने। लड़की तेज धड़कन से उसे पढ़ना शुरू करती है, वो सोचती कहीं ना तो नहीं आ गई, ना तो नहीं आ गई मुझे, मगर पढ़ती जाती है, लिस्ट आती जाती है, हर चीज की लिस्ट, बीच में पंखा भी है, फ्रिज भी है, बड़ा एलईडी भी है, सारा कुछ है, नई कार भी है। जब पढ़ती जाती है एक समय तो उसको तसल्ली होती जाती है कि ना नहीं है, ना नहीं है, ना नहीं है, और लास्ट में दीवार के साथ अपनी कमर लगा के बैठ जाती है कि मैं कहां, इसमें सारा कुछ तो मांगा, मुझे तो मांगा ही नहीं अभी तक, ये तो लिखा ही नहीं, लड़की भी चाहिए, ये है ही नहीं, ये हो रहा। तो यहां बहुत सारी बेटियां बैठी, मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं बेटी का पिता हूं, उस जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, बेटियों से कह रहा हूं, मां बाप नहीं मानेंगे, मां बाप बहुत डरते हैं, बेटी से नहीं समाज डराता रहता, हमको बिना वजह का समाज, मुफ्त में चाय पीने वाले भी डराते हैं, आएंगे चाय भी पी जाएंगे, डरा भी जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। लड़की जो योग्यता रख रही है, जो योग्य हो गई है,
रश्मि कितनी तनख्वाह होगी तुम्हारी? ने मांगो का नहीं, अभी जाना है क्या? फिर भी लगभग तुम्हें आइडिया क्या है? लाखों में हो सकती है सैलरी, हो सकती है ना? चलो तो अभी नहीं होगी, कुछ समय तक हो जाएगी, ट्रेनिंग के बाद हो जाएगी। और 30 साल रश्मि अगर सर्विस करे, 30 साल एक महीने की 1,00,000, वैसे तो बहुत ऊपर जाएगा, 1,00,000 का आईडी का लगाओ, साल की कितनी हुई है? 12,00,000। और 30 साल की कितनी हो गई? 30 साल की 3,60,00,000। मैं सही हूं? 3,60,00,000। कभी लड़के वालों को बिठा के और नीचे बिठाओ उनको, सोच ये हिसाब भी करो कि जो लड़की तुम मांगने आए हो जिसका हाथ, उसके साथ खाली लड़की नहीं जा रही, 3,30,00,000 रुपया भी साथ जा रहा है। तुम बताओ क्या दे जाओ? क्या चलो ना दे जाओ, पैलेस तुम बुक करो और लड़की ने जो पहनना है वो शॉपिंग तुम कराओगे सारे, हम कुछ नहीं देंगे, हमने डिग्री दे दी। ये लड़कियों को करना पड़ेगा, लड़कियों को। ऐसे समाज बदले हैं, सती प्रथा ऐसी टूटी है, बाल विवाह ऐसे ही टूटे हैं, विधवा विवाह इसीलिए बना, लड़ना पड़ा, किसी ने तो पहल की होगी ना, ये करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही, यानी माँ बाप जैसे गलती कर ली, माँ बाप अपने बच्चों को, बच्ची को, बेटी को पढ़ा के वो मिन्नत करते फिर रहे हैं। एक ऑफिसर अधिकारी लड़की को ले जाओ, ले जाओ तुम, ले जाओ तुम, ले कैसी कितनी घटिया बात है। वो तो जब तक वो फिल्म में दिखाते हैं ना, जो फिल्म में घुटने टेक के जब तक वो हाथ में मांग ले, लड़की को तैयार नहीं होना चाहिए, कह नहीं जाऊं, घुटने टेक के मुझे साथ ले, बराबरी तो तभी है ना। ये कौन सा तरीका है? हम पढ़ाई का मिशन चला रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं मेरा मिशन रुक जाएगा ये बीच, अगर ये और घटनाएं हो गई ऐसी, लोग कहेंगे लड़की को पढ़ाएंगे नहीं, उसके बाद तो लाखों रुपया का खर्चा भी उठाना पड़ता हमें, उसके बाद रुक जाएगा ये मिशन, अगर हमने ये स्टेप नहीं लिए ये रुक जाएगा। थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, या आप में लड़के भी बैठे हैं, कुछ लड़कों को अपना दिमाग बड़ा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा। वहां भी तो करते हो ना, जहां लड़की अपने आप पसंद कर लेते हो, आर दस पड़ी होती है ना, क्या कहती है, ज्यादा ज्यादा शादी है कौन सी देखता हूं मैं, कह रहे थी दस ही पड़ी थी, अभी ब्यूटी पार्लर सीख रही थी और शादी करके आ गई, ब्यूटी पार्लर कुछ भी नहीं, बेकार धंधा। ऐसी लड़की भी तो पसंद करते हो, तो ये एक बड़ी समस्या है जो हमारी एजुकेशन में बाधा बन सकती है, इस आंदोलन में बाधा। 2 बार आपने बात की मैंने, एक दुष्प्रचार की नौकरियां नहीं है, और एक ये वादा हो सकती है जिसपे हमें सोच के चलना है, आज से अभी से फैसला लेना पड़ेगा। मुश्किल है, मुश्किल होगा घर में भी, घर में क्योंकि मैं भी कहता हूं कई बार मैं बाहर लड़ सकता हूं, घर में नहीं लड़ सकता, घर में जल्दी सरेंडर कर जाता हूं, क्योंकि कोई घर वो है जहां हम आत्मिक शांति के लिए जाता है, जहां आनंद के लिए जाता है, जहां जाता है थकने हारने के बाद उसे घर ही याद आता है, तो वहां वो क्लेश में नहीं रह सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक और हो रहा है, कुछ लोग ये भी तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे लड़का हमारा चाहे पढ़ा, जो मैं हैदराबाद वाली मिसाल दे रहा था बीच, मगर अपना पैसा दिखा के लड़की ले आएंगे पढ़ी लिखी, वो शादी भी कामयाब नहीं होगी। अगर लड़का आपके बराबर पढ़ा ना हुआ तो वो शादी कामयाब नहीं होगी। मैं फिल्म की मिसाल दे रहा हूं, हिना फिल्म, मैं उसमें ट्रेन में जा रहा था और एक अचानक मैगजीन पढ़ा, वो हीरोइन पाकिस्तान से आई थी, उसका इंटरव्यू था, और मुझे भी इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि पाकिस्तान की हीरोइन क्या कहती भारत में आकर, मगर जब पढ़ा तो बहुत अद्भुत बात थी। उससे सवाल किया पत्रकार ने कि शूटिंग के बाद, जैसा उदय जी बता रहे थे जुड़ी बात,
कह रहे बहुत बोर होती है शूटिंग, वो कह रहे शूटिंग के बीच में बहुत स्पेस होता है एक एक दो दो घंटे का, फिर आप अपना समय कैसे बिताते हैं, आपके साथी कलाकार जो हैं क्या उनके साथ बैठते हो गपशप करते हो? कह रही मेरे लिए तो वो सबसे मुश्किल समय होता है जो बीच का समय है। वो कह रहे क्यों, आपका तो इतना बढ़िया हीरो कपूर परिवार से जहां से सारे हीरो आ रहे हैं। वो कह रही वो दस पढ़ा है, मैं PhD हूं, स्टैंडर्ड ही नहीं बनता बात करने का, मैं कुछ कहती हूं उसको कुछ और समझ में आता है। इतनी बढ़िया लगी मुझे उसकी बात, वो भी सच में नहीं स्टैंडर्ड होता। जैसे जैसे मेरी बारी क्लास बढ़ती जाती है ना, आप नोट करोगे, माओ माए भी नोट करें, आपके बच्चों के शब्द बदलते चले जाते हैं, उनकी वोकैबुलरी बदलती है, सारा कुछ बदलता चला जाता है। तो फिर जो जिसके पास कुछ भी नहीं वो उसके साथ गुजारा कैसे कर ले? ऐसे झुकने की कोशिश ना करो, झुको ना। आपने पाप नहीं किया है कि लड़की को पढ़ाया और आप झुकते थोड़ो दुनिया के आगे। मैंने कहा इसी मंच से पहले भी, अगर कुछ लड़कियां ना भी शादी हुई तो एक नया युग आएगा। अभी तक तो मैं कह रहा था कि बुआ और मासी हमारी पढ़ाई रोकने आती है, अगर कुछ लड़कियां क्वालिफाई बड़ी डिग्री लेके ना शादी हुई तो क्वालिफाई मासी तो होंगी ना, क्वालिफाई मौसी तो होंगी ना, और वो अपने खानदान में किसी को अनपढ़ रहने देंगी? जिसके भी उसको शिकायत पता लग गई कि ये नहीं पढ़ रहा, वो कान पकड़ के कहेगी मेरे पास भेज दो, मैं देखती हूं कैसे नहीं पढ़ता है। वो माहौल बदल देगी। तो थोड़ा सख्त है जो मैंने बात कही, मुझे पता इसको एकदम से समझना अपनाना हजम करना थोड़ा मुश्किल है, मगर लड़ना पड़ेगा, पहल किसी को करनी पड़ेगी, ये तभी टूटेगा। अगर हम पहल नहीं करेंगे तो समाज फिर जैसे चल रहा, फिर हमारे पढ़ने लिखने का डिग्री का कोई मतलब नहीं, ये आंदोलन चलाने का कोई मतलब नहीं है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय बोलते हैं और जननी को बराबर ना माने फिर इसका कोई लाभ नहीं। तो बहुत सारी अच्छा प्रोग्राम आज का रहा, बहुत सारी बातें भी हुई, और मगर टीचर्स से मेरी एक शिकायत है, जितने भी टीचर्स हैं यहाँ, आप लोगों ने बहुत शॉर्ट बोला। मैंने लिस्ट इसलिए कैंसिल करवाई थी कि हमारे टीचर अपनी बड़ी बात करें, बच्चों को मौका देते हैं दो घंटे, 12:30 किया तो 2:30 तक बच्चे को दे, मगर टीचर आए तो बड़ी मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे एक ही दिन में बहुत कुछ प्राप्त करके लेके जाए, मगर आप लोगों ने शॉर्ट कर दिया। तो अगली बार मैं चाहूंगा कि आप शॉर्ट ना रहें, आप लोगों के किसी के ऊपर भी बोलने की कोई लिमिट नहीं होती, आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि शिक्षा सेमिनार है ये और कुछ नहीं है। तो शिक्षा सेमिनार में आपसे बहुत सारी बातें लोग सीख के ले जाए, और लास्ट में मैं प्रीति जी का एक अलग से थैंक्स करूंगा कि उन्होंने यहां बात उठाई कि आप जो मर्जी बन जाओ हिंदू आपको स्वीकार नहीं करेगा, ये अंतिम सत्य है, इसको मान के चलो। जय वाली।